खबर है। एटा जनपद से ही हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने भारी सुरक्षा के मध्य शांतिप्रिय तरीके से नमाज अदा की। हजारों मुस्लिम समाज के लोगों ने देश के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी। एटा जिले में भारी सुरक्षा के बीच 139 मस्जिदों और 26 ईदगाहों में बकरी शांतिप्रिय तरीके से नमाज पढ़ी गई। ईद उल जुहा बकरीद पर SSP उदय शंकर सिंह ने QRT टीमें और मोबाइल टीमें सहित स्टेटिक ड्यूटी के साथ भारी सुरक्षा के बीच नमाज पढ़ी गई। एटा DM अंकित कुमार अग्रवाल और एटा SSP उदय शंकर सिंह ने जिले के सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते हुए क्षेत्र में भ्रमण करते रहे। सबसे पहले सभी को आज के इस मुबारक मौके पर मुबारकबाद। जनपद में कुल 139 मस्जिदों में तथा 26 ईदगाहों में आज बकरीद की नमाज पढ़ी जा रही है और हर जगह पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त किया गया है। QRT टीमें गठित की गई हैं, मोबाइल पार्टियां हैं और स्टैटिक ड्यूटीज जैसा आप देख रहे हैं जगह जगह लगाई गई हैं। पूर्ण रूप से सुरक्षित वातावरण में इस त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और हर जगह पर्याप्त ड्यूटी लगाई गई है। सर, आज बकरीद की नमाज अदा की जा रही है, कितने स्थानों पर? आज बकरीद की नमाज हमारे पूरे जिले में अदा की जा रही है। दो दिन पहले पीस कमेटी की बैठक भी की गई थी जिसमें बकरीद से संबंधित जहां जहां नमाज अदा करनी की जानी है वहां के मौलवी साहब, मौलाना साहब, सभी लोगों को बुलाया गया था और शहर के जितने भी अन्य जो धार्मिक गुरु हैं उनको भी बुलाया गया था। सभी से चर्चा की गई थी और जो भी व्यवस्थाएं कराई जानी थी विभिन्न ईदगाहों पे, मस्जिदों पे, वो सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और जो भी ड्यूटी लगनी थी सेक्टर जोन व्यवस्था लागू की गई है, सभी ड्यूटियाँ भी लगाई गई और ख़ासतौर पर नगर पालिका और ग्राम पंचायतों को सतर्क किया गया कि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। लगभग कितनी जगह संपन्न हो रही है? अभी हमारी जो सबसे बड़ी ईदगाह जो एटा नगर पालिका की है, नगला पोता की, ये अभी प्रारंभ होने जा रही है और शेष लगभग सभी जगह संपन्न हो चुकी है।